Assalamualaikum everyone. Umeed ta sab khair sa hundo. Aj wari English class sangat ma Muftawar Mughal hazir aya. Last days mein Sir Shafiq tahan ke reading comprehension je bare mein lai kuch padhai chuka hain. Class 2 ji reading comprehension wo book start karai chuka hain. So wo jeko class 1 ai class 2 mein jeke comprehensions ahen ya jeke bi galu dinal ahen उहे एतरी जेके आहिनि से एडवांस कोन्हनि के बस बेसिक आहिनि बिल्कुलु ॿारनि जे लाइ सो असां सोचो त उहे जेके ॿ बुक्स आहिनि उन्हनि खे थोरो रिव्यू ॾेई करे ऐं वरी असां क्लास 3 जी बुक ते अची वञूं जेको थोरो वधीक माना चइजे त क्रिएटिव आहे ऐं उन सेंस में चवंदासीं त थोरो क्लास 1 ऐं क्लास 2 खां हार्ड आहे ठीकु आहे सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अॼु वॉट वी आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 3 बुक ठीकु आहे फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू वॉट इज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जेको तव्हांखे ख़बर आहे ऑलरेडी की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन छा आहे स्किमिंग ऐं स्कैनिंग छा हूंदी आहे इहे कहिड़ियूं टेक्निक्स आहिनि इन्हनि खे यूस करे असां कहिड़े नमूने सां जेको कॉम्प्रिहेंशन आहे जेको टेक्स्ट आहे उनखे पढ़ी सघूं था ओके सो लेट्स मूव ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन छा आहे हिकु रिव्यू मां तव्हांखे ॾेई छॾियां थी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज़ एबिलिटी टू रीड द टेक्स्ट ठीकु आहे प्रोसेस इट एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग प्रोसेस कयो उनखे रीड आउट कयो पहिरियां त एबिलिटी तव्हां में हुअणु खपे त तव्हां उनखे पढ़ी सघो रीड आउट करे सघो ठीकु आहे देन प्रोसेस इट उनखे प्रोसेस करे सघो पंहिंजे दिमाग़ में उन्हनि शयुनि खे उन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खे प्रोसेस करे सघो अंडरस्टैंड करे सघो उनजी मीनिंग खे सम्झी सघो उनजी मीनिंग खे ठीकु आहे हाणे एम छा हूंदो आहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो बेसिकली इट has two aims first of all vocabulary तव्हां जी बिल्ट अप थींदी आहे vocabulary जी थोरी चवंदा आहियूं असीं त तव्हांखे ख़बर पवंदी आहे न्यू वोकेबलरी तव्हांजी बिल्ड थींदी आहे उन खां अलावा टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन त टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन छा हूंदो आहे सम्झणु हूंदो आहे टेक्स्ट खे त जेके क्वेश्चन्स आहिनि जीअं हाणे टेस्ट जे हिसाब सां अगरि असां ॻाल्हि कयूं त रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जेको टेस्ट में ॾींदा या जेको ईंदो आहे अक्सर उन में इहो हूंदो आहे त हिकु तव्हांखे पैसेज ॾिनल हूंदो आहे उन मां क्वेश्चन तव्हांखे कढणा हूंदा आहिनि हाणे छा हूंदो आहे त उन ई पैसेज ते कुझु क्वेश्चन्स हूंदा आहिनि जेके तव्हांखे करणा हूंदा आहिनि जेको ग्रामर पार्ट हूंदो आहे उहो बि अक्सर जेको हूंदो आहे उन ई पैसेज मां निकितल हूंदो आहे प्रेपोज़िशन्स हुजनि एंटोनिम्स हुजनि सिनोनिम्स हुजनि उन सां अलावा पंक्चुएशन अची थी वञे या वर्ब्स एडजेक्टिव या कुझु बि एडवर्ब्स असीं चऊं जेके बि क्वेश्चन अचनि त उहे कॉम्प्रिहेंशन मां ई निकितल हूंदा आहिनि त अगरि असां टेक्स्ट सम्झी वियासीं ठीकु आहे त असांखे ख़बर पइजी वेंदी उन खां अलावा के क्वेश्चन जनरल बि हूंदा आहिनि त वॉट इज़ द थीम ऑफ दिस पैराग्राफ जीअं लास्ट टेस्ट में असां तव्हांखे क्वेश्चन ॾिनो हुयो जेको पोल्यूशन ते हुयो टेक्स्ट जेको हुयो सो उन में हुयो त वॉट इज़ द थीम ऑफ दिस टेक्स्ट पैराग्राफ जो थीम छा आहे उन जो मेन आइडिया छा आहे ठीकु आहे सो दिस इज़ हाउ दिस इज़ द पर्पज़ वाई वी रीड एंड वाई वी हैव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वॉट इट एम्स टू लाइक लर्न छा असां सिखी सघूं था हिन मां वोकेबलरी बिल्टअप थिए थी टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन थिए थो ओके लेट्स मूव ऑन हाणे कॉमन अप्रोचिस जेके हूंदियूं आहिनि न त स्टूडेंट्स जा तरीक़ा हूंदा आहिनि अप्रोचिस या स्ट्रैटजीस चऊं असीं डिफरेंट डिफरेंट हूंदियूं आहिनि ठीकु आहे सो इहे स्ट्रैटजीस जेके हूंदियूं आहिनि न के स्टूडेंट्स ईअं कंदा आहिनि त पूरो पैसेज पहिरियां पढ़ी छॾींदा आहिनि ठीकु आहे पहिरियां पूरो पैसेज पढ़ी छॾींदा उन खां पोइ उन्हनि जो टाइम इलाही घटि बची वेंदो आहे पोइ हू क्वेश्चन आंसर्स ते अची वेंदा आहिनि ठीकु आहे हाणे अगरि तव्हां एॾो टाइम पैसेज ते हणी छॾंदव त क्वेश्चन्स जेके हूंदा न उन्हनि खे सॉर्ट आउट करण जे लाइ तव्हांखे इलाही टाइम जी ज़रूरत पवंदी ठीकु आहे सो पहिरियां अप्रोच इहा आहे हाणे हिते ॾिसो चवनि था त रीड द एंटायर पैसेज एंड देन आंसर द क्वेश्चन्स दिस इज़ द वन अप्रोच और स्ट्रैटजी दैट वी कैन यूज़ ओके the subject of passage we can know if we are reading the passage first then we can get the idea of subject of the passage main idea of the passage the tone of the author of the passage tone matlab kedo una jo style hai kedo tone hai kede tarike sa una jo koi so passage likhyo hai theek hai hane second vari cha hundo hai instead of reading the entire passage what we do we read critically the first and last paragraph theek hai फर्स्ट ऐं लास्ट पैराग्राफ तव्हां पढ़ंदव न अगरि तव्हां मेन बॉडी खे थोरो स्किप करे विया हो शुरू शुरू में
For example, you got the test, and then you are just reading first and last paragraph, and then you are going to the questions and finding out the answer of the questions. So this is how entire passage padh ji zarurat itni na hai, because that is the best of time according to me. Maybe that is the best strategy for you. Tahan jalai ya suti strategy thi sageti approach thi sageti. Maybe tahan on the mevadik expert ho jo. I'm not saying that is the wrong approach, chika, but that is what? That is time taking approach. Okay, so move on. And first of all, so the first approach jeka ahe hua ahe peak first, then questions. This is the first approach that most of the learners and students, they go for it. Thika? That is what? Read the entire passage thoroughly first and then read the questions. This is the strategy. This is the way out, how we go for this approach. Theek hai? Then skim and scan through the passage. Taake khabar hai skimming chahungi ya scanning chahungi ya. Theek hai? So skim and scan through the passage and keep going back and forth with questions and passage. Theek hai? Skim scan karna vanyo and questions ke bhi disanda vanyo passage bhi padhanda vanyo. Theek hai? The with the passage of time, you will get answers of your questions. Theek hai? Then read the first two paragraphs, scan all the questions. See what you can answer. Pehra paragraph padho, second paragraph padho, hane jeke jeke answers ta disanda vindao na ta unan me ta ke khabar pajandi vindi ta hi answers jeke hain uhe hina hina paragraph me maujood hain. Ai asa one by one reading that, like in a way asa questions answer dinda vinda si. Theek hai? Then it says that then read paragraph 3 and 4, scan the questions and see what you can answer. This is the way to go for PQ approach, that is passage first, then question. Theek hai? So this is how, this is the first approach. If you are like comfortable, if you think that this approach is suitable for you, tahan jala suitable hai ya approach, tahan ene approach je tahat je kwae, so jaldi sa test ke samjhi bhi sago ta, unake solve kare sago ta, questions ja answers bhi de sago ta, then go for it. Theek hai? Go for it. Tahan jo comfort zone vadhik important hai, what you think you can do, you will do. Theek hai? So this is very important. Then second approach says QP approach. Now first one was PQ, that is first passage and then questions. And then the second approach says ke tahan pehra questions padho and then go for the passage. Theek hai? So it depends. Hana ilai manu lai takda bhi hunda hai na. Jaldi jaldi jana questions ke asa padho. उन्हें कहाँ पोल छाके हैं उन जो पैसेज माँ उन्हें जो जी माता के लास्ट टाइम टेस्ट में बताया हुए हो तो अगर को लिंकिंग वर्ड अच्छी तो बने को सिग्नल वर्ड अच्छी तो बने तो उन्हें सिग्नल वर्ड के तहाँ पूरे पैसेज के एक दम सा स्कैन करे बने वो पूरो आई उन्हें के फाइंड आउट करो एंड देन रीड दैट लाइन और मे बी टू लाइन्स ठीक है एंड देन यू विल गेट योर आंसर ठीक है सो दिस इज हाउ वी कैन डू बट नाउ लुक एट दिस इट सेज दैट रीड ऑल क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स options first and then the passage. Theek hai? Pehla questions padho na ja options padho and then go for the passage. Theek hai? Read question one with all the options, then go through the entire passage to answer it. And you will be time taking a hik question ke khani agar asa pure entire passage ke padhanda si, that will take a lot of time. Theek hai? So you have to use some tricks while reading comprehension. ठीक है उन जो पहरियां ता या तो मेन आइडिया वठो पैसेज जो ठीक है देन गो फॉर द क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस ठीक है वन बाय वन उनके स्कैम स्कैन कंदा कंदा आई जेके लास्ट क्वेश्चंस आई पूरा वन बाय वन ता उनके सॉल्व आउट करे ठीक है देन जस्ट रीड द क्वेश्चन स्टेम हाने स्टेम चाहे पहरी चाहे तो जेको माना रूट आहे स्टेम आहे जेको क्वेश्चन आहे वो सिर्फ पढ़ो उन्हें जब ऑप्शंस ना पढ़ो तो ठीक है विदाउट रीडिंग द आंसर ऑप्शंस देन रीड द पैसेज एंड ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चन बाय रीडिंग देम ऑल ऑप्शंस ठीक है चाहे तो क्वेश्चंस पढ़ो पहरियां उनका पो उन्हें जो आंसर दिसो पैसेज में चाहे ठीक है अगर मिली तो वने पो उन्हें जब ऑप्शंस दिसो ता तो पो ताके उनके एलिमिनेट करण में आसानी थी दी तो केड़ा केड़ा क्वेश्चंस जेके ऑप्शंस आइन हुए गलत आइन उनके एलिमिनेट कियो ठीक है एंड देन गो फॉर द राइट आंसर दिस इज वन मोर स्ट्रेटजी ठीक है ओके नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमिनेट एंड नॉट सिलेक्ट या इलाही सुठी स्ट्रेटजी आहे कुछ स्टूडेंट्स छा कंदा आहिनि पहिरियां ई हिकदम सां ॾिसंदा ऐं राइट ऑप्शन जे लाइ हली वेंदा आहिनि ठीक है पहिरियां तव्हां उहे ऑप्शंस कढो जेके तव्हांखे लॻे थो त ग़लति आहे ठीक है जेके मैच नथा कन
फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी ई मतलब डी ताई आहिनि ऑप्शन्स तव्हां सम्झो था त ए जेको आहे ऑप्शन उहो नथो वञे सही आहे लाइक फॉर एग्जाम्पल हिते तव्हांखे मां हिकु आर्टिकल जो एग्ज़ाम्पल थी ॾियां ही इज डैश engineer theek hai hane article it means we are going to put a and the or x maybe theek hai so x that I told you already x is a zero article where we do not put any article kuch era hunda hai jaise sports janalati ya jiya apna abstract nouns ki gal kai utte zero article nahi to dekho article nahi do theek hai so he is dash engineer hane char options taake mile line ite first option hai a then n then the and then x theek hai हाणे ही इज डैश एंजीनियर हाणे एंजीनियर ॾिसो त हिते द माना हिते स्पेसिफिक त ॻाल्हि थिए ई कोन पई का ठीकु आहे द त पहिरियां ई असां एलिमिनेट करे छॾियो कढी छॾियो असां हाणे इंजीनियर हिकिड़ो आहे न इट मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग वन त इट मीन्स के अ या एन ईंदो ठीकु आहे एक्स बि न आयो छो जो एक्स इंजीनियर जेको आहे एब्स्ट्रेक्ट न आहे कंहिं स्पोर्ट्स जो नालो न आहे कुझु ॿियूं बि शयूं इंक्लूडिड हूंदियूं आहिनि उहो बि ईअं न आहे ठीकु आहे माण्हू आहे प्रोफेशन आहे त उनजे लाइ असां छा यूज़ कंदासीं हाणे अ एन ॿ रहिजी विया असां वटि एक्स एक्सक्लूड थी वियो एलिमिनेट करे छॾियो असां द एलिमिनेट करे छॾियो असां ठीकु आहे हाणे ॿ ऑप्शन्स बचा असां वटि अ ऐं एन ठीकु आहे हाणे अ एन खे असां जॾहिं ॾिसंदासीं त असां चवंदासीं हाणे हीउ जेको इंजीनियर आहे इन जो साउंड जेको आहे उहो अ साउंड पियो अचे ठीकु आहे अ पियो अचे त असां उन सां गॾु जेको अ आर्टिकल आहे उहो न ॾींदासीं छो जो उहो कॉन्सनंट सां ईंदो आहे ठीकु आहे जॾहिं बि को अ साउंड अची थो वञे उन सां हमेशह एन ईंदो आहे ठीकु आहे सो असां छा कंदासीं ए हाणे असां हिन मां डिलीट कयोसीं एलिमिनेट कयोसीं कट कयोसीं हाणे असां अची वियासीं राइट ऑप्शन जे लाइ जेको आहे एन ही इज़ एन इंजीनियर ठीकु आहे सो दिस इज़ हाउ फर्स्ट एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर्स एंड देन गो फॉर द राइट ठीकु आहे ॿी हिकु इंपॉर्टेंट ॻाल्हि आहे हिते त नेवर अप्लाई यूर ओन नॉलेज ऑर अज़म्पशन वेन यू हैव अ स्पेसिफिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वेन यू हैव अ स्पेसिफिक पैसेज टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ यू तव्हांजी जेका ॿाहिरी इंफॉर्मेशन आहे न माना तव्हां मे बी कंहिं शइ जे बारे में पाण पढ़ियो हुजे ऐं तव्हांखे हुनजे बारे में कुझु ख़बर हुजे ऐं तव्हां उहा इंफॉर्मेशन विझी करे ऐं तव्हां उन आंसर जेको आहे सो ॾियो था हुनजो त दैट इज़ अगेन द रॉन्ग वन ठीकु आहे पैसेज जे हिसाब सां तव्हांखे आंसर्स ॾियणा आहिनि वेदर दैट इज़ मेकिंग सेंस और नॉट मेकिंग सेंस ठीकु आहे सेंस ठाहे पियो न पियो ठाहे पैसेज खे ॾिसी तव्हांखे उनजो जवाबु ॾियणो आहे पंहिंजी ॿाहिरी इंफॉर्मेशन जेका आहे या जेका नॉलेज तव्हांखे पहिरियां खां आहे उहा तव्हांखे हुन में इंक्लूड कोन करणी आहे उनजे हिसाब सां तव्हांखे आंसर्स कोन सिलेक्ट करणा आहिनि ठीकु आहे सो दिस इज़ वॉट few of the approaches and how we can deal with the questions theek hai this is what we can do with the reading comprehension sahi hai to ye dada easy way ahe ai unake ta practice kanda rahndao ta anya tahanji practice thindi ta ta like practice makes a man perfect theek hai so this is very important practice is very important hite ta sa ta ke kam karayun tha jeko kuch dikha rahe tha par ta paan bhi passages kado unan ma questions thain di koshish kyo unan ja options thain di koshish kyo and then go for the answers ai agar net te available passages ahin along with questions theek a unan ke solve out karan di koshish kyo ta ta jo english jo jeko part hundo wo aaram sa solve thindo theek a okay let's move on now hane hi jeko ahe this is very important इलाही सारा स्टूडेंट्स अहिड़ा आहिनि जेके चवनि था त असां वटि हार्ड कॉपीज़ उन्हनि खे सिंटेक्स बुक जेके बुक्स आहिनि उन्हनि जो ठीकु आहे सो इलाही खे इहो बि प्रॉब्लम आहे त असां वटि बुक्स ई अवेलेबल न आहिनि त असां कीअं तयारी कयूं ठीकु आहे सो ज़रूरी कोन्हे को त तव्हांजे हथ में किताबु हुजे तव्हां उनखे पढ़ो अगरि उहो अवेलेबल कोन्हे ॿाहिरां नथो मिले या को गवर्मेंट स्कूल जा ॿार आहिनि उहे तव्हांखे नथा ॾियनि किताब या टीचर्स त तव्हां छॾियो उन्हनि खे ठीकु आहे वॉट यू हैव टू डू दिस इज़ द लिंक गो go for this link hin link te ta windo ta ta ke jk bhi syntax book jab books ahin uhe ta ke available pdf me ahin theek a ta uhe use kare sako ta uhe padhi sako ta unan ke download kare sako ta theek a ek dafa download kare chhadyo sabhi books unakha po ta one by one ek ek book ke read kanda raho theek a whether it's english whether it's sindhi whether science whatever the subject is hi ilai easy tava note kare chhadyo yo theek a त जीअं तव्हांखे आसानी थी वञे पोइ कंहिंखां घुरण जी ज़रूरत न पवंदी मोबाइल तव्हां सभिनी वटि आहे उते हिन लिंक खे कंदा उते ई तव्हां बुक डाउनलोड करे ऐं तव्हां पढ़णु शुरू करे छॾियो ठीकु आहे सो
दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ओके, नाउ मूव ऑन. हाँ, अज पा शुरू करने वाला आयो, अज पा शुरू कंदासी माय इंग्लिश बुक थ्री. नाउ सिंटेक्स्ट बुक जो ही बुक है जो अस फॉलो कंदासी, इन में जेके जेके शयन हुए तक पढ़ाईंदम. ठीक है, फुल बुक में अज न पढ़ाई सकंदम, जाहिर है. वील कंटिन्यू दिस टुमोरो एज वेल. ब कॉम्प्रिहेंशन में अज खया इन बुक में उन्हें डिस्कस कंदासी. वॉट एवर द लैंग्वेज प्रैक्टिस दे हैव गिवन, जेके भी लैंग्वेज प्रैक्टिस इन्हें दिनी है, उन्हें थोड़ो थोड़ो मां एक तांखे ओवरव्यू दे छदीदम. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन बुक थ्री. वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट. हाँ, इतने ऐसो इन जो कंटेंट है. ठीक है, फर्स्ट यूनिट जो है उनमें ऐसो तो 1.1 सेज ओरल कम्युनिकेशन, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड अदर्स. ठीक है, देन सेकेंड नंबर इट सेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हाँ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड अदर्स, दैट इज समथिंग अ जनरल एक्टिविटी या कम्युनिकेशन के लिए होंगी. ठीक है, वेन वी टॉक अबाउट ओरल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन की गाल क्यों उन वक्त अस ये एक्टिविटीज करे सकूं था या ये असाज लाइ इंपॉर्टेंट है. बट नाउ असो ऑब्जेक्टिव चाहे, असो ऑब्जेक्टिव है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अलोंग विथ लैंग्वेज प्रैक्टिस. ठीक है, लैंग्वेज प्रैक्टिस के भी थोड़ा थोड़ा दिसंदा वेलंदासी त असाज लाइ आसानी थी वेंदी. ओके, नाउ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन द ट्रेजर, अज मां इहो हिकु खयो आहे द ट्रेजर. ठीक आहे, उन सां गॾु जेके लैंग्वेज आहिनि प्रैक्टिसिस अपोस्ट्रॉफी जे बारे में थोरो तव्हांखे ॿुधाईंदमि, प्रोनाउंस एंड पोसेसिव प्रोनाउंस जे बारे में ॿुधाईंदमि. ठीकु आहे, राइटिंग असांजो ऑब्जेक्टिव न आहे, सो आई लेफ्ट इट. ठीकु आहे, फर्स्ट 1.1 एंड 1.4 आई हैव लेफ्ट इट बिकॉज वी आर नॉट like concerned with these two parts. So number two unit jo hai unme oral communication and inquiring about health, number two reading comprehension jo hai wo hai healthy eating habits part 1. theek hai, so language and practice kedi te achi vane, imperative sentences achi vane tha, hakmiya jeke chavanda hai asa, hukmiya sentences ordering wara ue ahen, unka pura writing mein a paragraph achi. ठीक है, सो इतने सिर्फ तुम ऐसी वो तो कड़ा कड़ा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेफ्टी मेजर्स है थ्री यूनिट में, उनखा पो वरी डिग्रीज के बारे में राइटिंग डिग्रीज हैं, लैंग्वेज प्रैक्टिसेस हैं. ठीक है, ओके, यूनिट फोर ॾिसो पाकिस्तानी फेस्टिवल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ ॾिसंदा वञो. यूनिट फाइव में राशिद मिन्ना शहीद है, उनखा पो सिक्स में है मंथ्स ऑफ ईयर. ठीक है, सो दिस इज हाउ like this is how we are going to do. Aj ma unit 1 and unit 2 jo taan jo reading comprehension dito hai unate paana galaindasi, then tomorrow I'll take two more and then we'll discuss more. Theek hai, okay, so look at the reading comprehension first. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ॾिसो हिते द ट्रेजर आहे. हाणे छा कयो, जल्दी सां या त तव्हां पिक्चर क्लिक करे वठो हिन जी हिकिड़ी. ठीकु आहे, पिक्चर क्लिक कयो या तव्हां जल्दी सां हिनखे पढ़ो, मां फॉरन सां हिनखे रिमूव न कंदमि, पहिरियां पढ़ां थी तव्हांजे लाइ. ठीकु आहे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन छा आहे असांजो, द ट्रेजर. हाणे इट्स अबाउट अ फार्मर एंड हिज फाइव सन्स. इट सेज अ फार्मर हैड फाइव सन्स, ही वर्क ऑन हिज फील्ड्स अलोन. पढ़ा वो जहन में लिया वो तो कड़ी कड़ी शो क्वेश्चन भी ही सेंट हिज सन्स टू स्कूल एंड गेव देम एवरीथिंग दे नीडेड. दे बिकेम स्ट्रॉन्ग यंग मैन बट दे वर लेजी एंड सेल्फिश. दे फॉट विद वन एंड अदर ऑल द टाइम. वेन द फार्मर ग्रू ओल्ड ही बिकेम वरिड. ही वॉन्टेड हिज सन्स टू वर्क एंड लव वन एंड अदर. वन डे ही कॉल्ड हिज सन्स एंड सेड, I am very old. I cannot work anymore. There is no money for food. Now, you have to work. ठीक है? This is the first part. Farmer जो son पंज बार पुटा हुया, वो जो कोई सो डाड़ो मेहनत कंदो हुयो fields में वनी करे, पंहिंजे ॿारनि खे school भी मोकिलींदो हुयो, उन्हनि जी हर ज़रूरत पूरी कई, everything they needed he gave them. They become strong young men, strong like young men ठही विया हू माना भाई ठही विया. बट दे वर लेज़ी एंड सेल्फिश, सेल्फिश एंड लेज़ी भी हुआ. इफ दे वर स्ट्रॉन्ग एंड यंग बट एट द सेम टाइम दे वर लेज़ी एंड सेल्फिश. दे फॉट वन एंड अदर, हर टाइम एक बे सां विढ़ंदा रहंदा हुआ. वेन द फार्मर ग्रू ओल्ड, जॾहिं फार्मर पोड़ो थी वियो, ही बिकेम वॉरिड, हू इलाही परेशान थी वियो. ही वॉन्टेड हिज सन टू वर्क एंड लव वन एंड अदर. हू चवनि इहा ख़्वाहिश हुई त मुंहिंजा ॿार जेके आहिनि, मुंहिंजा पुट जेके आहिनि, उहे कमु कनि ऐं हिक ॿिए सां इलाही प्यारु कनि. वन डे ही कॉल्ड हिज सन्स एंड सेड, हिकु ॾींहुं हुन पंहिंजे पुटनि खे घुरायो ऐं चयो त आउं इलाही पोड़ो थी वियो आहियां, हाणे आउं वधीक कमु नथो करे सघां, मूं वटि वधीक पैसा बि कोन्हनि, चऊं तव्हांखे कुझु हाणे खाराए सघां. आई डोंट हैव मनी फॉर फूड. नाउ यू हैव टू वर्क, तव्हांखे हाणे कमु करिणो पवंदो. ठीकु आहे, सो
Look at this now. His sons were angry. Ilahi kavada me achi vyalya. No one wanted to work. केर भी कम ज़ारा ऐसा के बेटा उन्दा सी ना वही खाने ला हर्षे मिलनी तो के जो बिल्कुल कौन चमंदो तो थी कम कहीं सो हाँ जरे उन्हें के हर्षे मिली पे उन्हें जब पी मना फील्ड्स में कम गयो पे तो उन्हें की तो ज़रूरत ही ना हुई कम जी but when he said I'm old now and I no more like no more I cannot work so you guys have to go and work so they were very angry no one wanted to work they started shouting and fighting विनर शुरू थी या फाइटिंग शुरू करे चलें The old farmer said, "Stop fighting. I will tell you a secret." Okay? So the old farmer said, "Unhe chahiye to mana fighting band kare chale. Ek secret mata ke bataya to. There is gold in the field. Field mein chahiye, zameen mein gold tha, son tha. Go and find it. The boys dug up the field, but there was no gold. Khodinda raya, jekko aise zameen ke field ke par ke ko son wagera kon milyo. They were tired and upset. Ulai thakki pyaai, data udaas thi ya. The farmer said, saw some seeds in the field. Hane ya trick ko yuna je PNG, nan ke samjhayane ji, ta unan pehra cha, ta gold tha, pehra na ke dug kyo, thik ha? Na ke ta jade khodai kandao, ta ta gold mein nobody Got it, ठीक है उन्हें कब चाहिए थाने ने के मना saw some seed इन्हें में सब seeds चेकें हुए थाने में विजो तब very soon you will have your gold मना पो ताके पैनो gold मिली हुई तो the young men were very sorry they sowed the seeds and had a good crop ठीक है उनके like मुझे को ऐसा होना जी फसल दाढ़ी सुती थी they sold it in the market for a good price as a result they decided to work hard and not to fight with one another so that was the farmer's trick he encouraged his sons to work in the field theek ha so this is the comprehension hane agya cha hai reading comprehension taake samjha mein achhi view very easy it's very very easy yeah stories aap padhi chuka hu farmer ji hai unhe je putan ji theek ha so no need to drag it or exaggerate it so let's move on to the exercises okay so सुरेश चाहे तो वेरी बेस्ट स्टोरी फॉर लेजी पीपल एग्जैक्टली जेके लेजी हुंदा ना उन्हनि जे लाइ इहा स्टोरी ॾाढी सुठी आहे ओके सो वाइल्ड रीडिंग हाणे वाइल्ड रीडिंग एक्टिविटी वन आहे देर आर सिक्स पीपल इन द स्टोरी हु आर दे जल्दी सां मूंखे नाला ॿुधायो केर आहिनि छह माण्हू जंहिंजे बारे में असां ॻाल्हायो या जंहिंजे बारे में असां पढ़ियो स्टोरी में केरु केरु हुया हरी अप गाइस आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स जल्दी सां मूंखे ॿुधायो छह माण्हू केरु हुया Okay, so theek still no answer. Okay, so there are six people in the story. Who are they? One. Okay. So Mohammed Aslam jawab dino ahe one is farmer and five sons of farmer good babar chaito farmer and his five sons okay let's move on good guys so number 2 b says take the words that describe farmer hane keda keda words ahin jeke farmer ke describe kan tha farmer lazy ho young ho hard working ho ya old ho jaldi sa budhayo keda keda words ahin jeke farmer ke describe kan tha okay सो सिकंदर भी बुधायो आहे फार्मर एंड हिज सन्स सारंग ओके गुड योर आंसर इज राइट अख्तर चाहे तो वन फादर फाइव सन्स ओके मोहम्मद तैयब राइट आंसर मुकेश राइट अली दिनो राइट ओके सायरा चाहे थी फार्मर एंड फाइव सन ओके सायरा अगेन सायरा हाँ ओके हाँ नसीबुल्ला चाहे तो हार्ड वर्किंग एंड ओल्ड ओके गुड सायरा अगेन चाहे थी हार्ड वर्किंग ओल्ड मोहम्मद असलम चाहे तो हार्ड वर्किंग ओल्ड फार्मर एंड हार्ड वर्किंग ओके ओल्ड हार्ड वर्किंग अख्तर मंसूर भी बुधाए तो प्रिंस आसिफ चाहे तो ओल्ड एंड हार्ड वर्किंग कलीम हार्ड वर्किंग ओके प्रिंस राज ओल्ड एंड हार्ड वर्किंग ठीक है मोहम्मद तैयब हादी आहे बाखरानी हादी सॉरी इफ आई एम टेकिंग योर नेम रॉन्ग ठीक है तां जो आंसर भी सही आहे ओके सो लेट्स मूव ऑन सो ओल्ड एंड हार्ड वर्किंग एग्जैक्टली दैट इज द राइट आंसर गाइस थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन लेट्स मूव ऑन सो सिक्स पीपल केर केर हुआ फार्मर हुए एंड हिज फाइव सन्स देन फार्मर के केड़ा केड़ा वर्ड्स डिस्क्राइब कंदा ओल्ड एंड हार्ड वर्किंग ठीक है लेट्स मूव ऑन
Okay, now cross the words that do not describe the farmer's son. जेके describe नथा कन farmers जे son जेके हुया उनन के उनन ते टिक कियो माना farmer जो जो को ऐसा पहरे आने सो कयो उनन में हुए तो जेको farmer के describe कन था old ही hard working हो ठीक है आने हेते जेके नथा कन उहे टिक कियो जेके नथा कन उहे टिक कियो okay उमर चाहे तो old अच्छा old and hard working that was the old one now this is the new one see cross the words that do not describe the farmer's son ठीक है Hardworking and old. Yes, they were selfish. They were young. They were lazy. But at the same time, their father was hardworking and old. They were young. They were lazy and they were selfish. It happens these days, है ना? जैसे नए जरिए साथ ऐसे ना माँ पी एडी है मेहनत करना है ना ऐसा के पढ़ाने जलाए ऐसा जलाए हर जगह पे ऐसा नहीं जरूरत होती है पूरी करने जलाए. But we guys, the new generation is very selfish, ठीक है? इलाय lazy आयु बस पे ना मोबाइल खपे पे जी मानी जी प्लेट खपे and we just want our bed. जिते ऐसा सुमी सा गाऊं वैसे जो नहीं बस पैड सा अगर चार्जर भी लगा लो जे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दिस इज हाउ द ओल्ड स्टोरीज जे क्या है वे भी लिंक कंदी वचन थी रियल सिचुएशन थे ठीक है सो लाशारी चाहे तो ओल्ड एंड हार्ड वर्किंग परवेज अच्छा हार्ड वर्किंग जावेद उनर ठीक है अनाबिया ओके फैज मोहम्मद मुकेश मोहम्मद तैयब तहां छा चयो मुझे समझ में ना आया हो अच्छा सो लेट्स मूव ऑन शायद मुझे तव्हां खे ॻाल्हि न वणी ओल्ड लेज़ी हर शइ में माना हर केस हिकु जहिड़ो न आहे हूंदो हिते असांजा बि जेके आहिनि से ॿार ॾिठा आहिनि जेके पूरियूं जेके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आहिनि पंहिंजे पेरेंट्स जूं खणंदा आहिनि इलाही हार्ड वर्किंग हूंदा आहिनि इलाही माना क़ाबिल ॿार हूंदा आहिनि सो वी ऑल शुड गो फॉर द राइट चवंदा आहियूं त सुठियूं आदतूं अपनायूं ऐं के अहिड़ियूं में कंध खणी पंहिंजो हिकिड़ो पंहिंजी जॻह ठाहिण जे लाइ असांखे वधी सघूं त उहे आदतूं अपनायूं ओके नाउ लुक एट दिस मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी हाणे ही छा आहे ही सिनोनिम्स अची विया हाणे जेके जेके मीनिंग्स आहिनि उहे जल्दी सां मूंखे ॿुधायो हार्ड वर्किंग समवन हू वर्क्स हार्ड पहिरियों तव्हांजे लाइ कढियो अथनि हाणे सेल्फिश वट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल्फिश Lazy, what is the meaning of lazy? Saw, taake budhayo ma saw, what is the meaning of it? Secret, good price, treasure, and jaldi sa mukhe budhayo inan ju. Okay, one this thing is nowadays TikTok. Achha, issues te bhi galaindasi, galaina me andasi tab chana hai na the baat se fir baat nikalti hai. So this is about the synonym okay so Muhammad Islam said to lazy those do not like to work okay and hina me butana do not like to work okay after said to charger is important these days yeah it is okay Saira lazy those who do not work okay Babar lazy means those who do not work selfish caring about oneself right good नसीबुल्ला चाहे तो सेल्फिश मीन्स केयरिंग अबाउट वन सेल्फ मंसूर चाहे तो केयरिंग अबाउट वन सेल्फ ओके अली दिनो चाहे तो सेल्फिश केयरिंग अबाउट वन सेल्फ मोहम्मद असलम चाहे तो सॉ पुट सीड्स इन द ग्राउंड वेरी गुड ओके बाबर ट्रेजर लॉट्स ऑफ मनी ट्रेजर मीन्स लॉट्स ऑफ मनी ओके जावेद चाहे तो सेल्फिश दोज हु डू नॉट लाइक टू वर्क रोशनी लेजी दोज हु डू नॉट लाइक टू वर्क सेल्फिश केयरिंग अबाउट वन सेल्फ ट्रेजर सेल्फिश खुदगर्ज मतलब ही शहबाज चाहे तो खुद गर्ज मतलब भी हुए जेके सेल्फिश ठीक है ओके आसिया ट्रेजर लॉट्स ऑफ मनी सेल्फिश ठीक है उनखां पो अली डिनो ठीक है लेज़ी दोज़ हू डू नॉट लाइक टू वर्क सीक्रेट समथिंग यू डोंट टेल एवरीबडी ओके मोहम्मद असलम चाहे तो सीक्रेट वो आहे दैट यू डू नॉट टेल एवरीबडी गुड Then good price, lots of money. Good price is lots of money. Treasure thindo, lots of money to mukhe lage to. Good price, what does it mean? Guys, jaldi budhayo mukhe. Achha, treasure jeko ahe, wo lots of money na thindav. Treasure thindo, मनी गोल्ड एक्सेट्रा ठीक है बाबर तांजी या गलती हुई थे हाँ मुझे कें यो बुधायो लॉट्स ऑफ मनी ट्रेजर लॉट्स ऑफ मनी
No, treasure means money, gold, etc. Ilai sari money, good price. Good price means ilai sari money, lots of money. I have a good amount. I have good price. I have good money. Theka? So that is theka, selfish. Money. Haan, okay, let's go for the answers, guys. So, hard working jab ichha hai selfish ji achi vai ahe te meaning ma ta ke badhaya thi okay caring about oneself lazy selfish ahe caring about oneself theek ha jab aisa penje bare mein sochau that is selfish lazy something you don't acha that is not those who do not like to work those who do not like to work that is lazy Sow, put seeds in the ground, secret, something you don't tell everybody, theka? Then good price, lots of money, treasure, that is money, gold, etc. Theka, samjhiyo? So this is how. Mukesh, okay, sabni jawab dena hai, theka? Thank you very much, guys. Okay, let's move on. Haan, ye synonyms ho ya, taanke khabar paiji vahi, ta kiya asa anan ma katanda si meanings jake aayin. Haan, book, ajay sa three use kariya hai, ta wo bilkul easy huyo, barano aahe, ta samjhi vya se hu aaram sa thi vyo. Okay, now text A, complete the sentences in text A by choosing the right options from text B, column B, theka? Haan, column A, hai, column B aahe. छा तव्हांखे करणो आहे नंबर वन फॉर एग्जाम्पल इफ नंबर वन गोज विथ बी सी डी त तव्हां छा करणो आहे नंबर वन उन सां गॾु एल्फाबेट ॾियणो आहे जेको राइट ऑप्शन आहे जो ठीकु आहे द फार्मर वर्कड अलोन इन द फील्ड बिकॉज देयर वॉज गोल्ड इन द फील्ड दे हैड अ गुड क्रॉप विच दे सोल्ड फॉर अ गुड प्राइज सॉ सम सीड्स इन द फील्ड ही वॉन्टेड हिज सन टू गो टू स्कूल दे डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क आणि वेन ही टोल्ड हिज सन्स टू वर्क they became angry because they had there was gold in the field they had good crop which they sold for a good price saw some seeds in the field he wanted his sons to go to school they did not want to work okay now tell me kya inan ke sa column a and b ja je sentences ahin kedo sentence kede sentence sa vindo unake complete karno hai ta ke column a me je kya hain ue sentences complete konan ke जॾहिं असां कॉलम बी जेके सेंटेंस खे उन सां जॉइन कंदासीं मिलाईंदासीं त उहो हिकु सेंटेंस ठही वेंदो उन जो प्रॉपर सेंस निकिरी ईंदो ठीकु आहे सो फॉर एग्जाम्पल नंबर वन द फार्मर वर्क अलोन इन द फील्ड बिकॉज ही वॉन्टेड हिज सन्स टू गो टू स्कूल हाणे ए वन विल गो विथ डी वन डी ठीकु आहे वन जॾहिं असां पढ़ूं था त उन जो ऑप्शन छा आहे डी आहे उन सां मिलाईंदासीं त प्रॉपर सेंस थी वियो हाणे फॉर एग्ज़ाम्पल वेन ही टोल्ड हिज सन्स टू वर्क they became angry because cho angry thi vya okay answers achieve ya hain nasibullah chahe to one is d okay good sikandar one is d two is e when he told his sons to work they became angry because they did not want to work very good okay saira chahti one is d suresh chahe to one is d okay one is d ali dino javed one is d three is a okay केर थो चाहियो नसीबुल्ला चए थो थ्री इज ए नाउ द फार्मर टोल्ड हिज सन्स टू डिग द फील्ड बिकॉज ए देयर वॉज गोल्ड इन द फील्ड ट्रिक हुई न हुनजी ॿुधाइण जी त जेको हुन में अथव गोल्ड अथव सो उनखे जेको आहे सो तव्हां डिग कयो हुन मां कढो फील्ड के डिग कयो तव्हां गोल्ड मिलंदो हुन मां वेरी गुड ओके ज़ोहेब चए थो डी ओके तैयब वन इज डी अली ॾिनो टू ई फोर नसीबुल्ला लाइ आंसर्स थो ॾे पियो सॼा ॿुधाए छॾिया अथसि ओके फोर एस सी ना फोर एस सी आफ्टर दे हैड डग द फील्ड द फार्मर टोल्ड देम टू सॉ सम सीड्स इन द फील्ड वेरी गुड ओके डी सफिया ठीकु आहे ए बाबर चए थो ए वन इज ए ओके वन इज ए नो नो you have only written a babar I don't know which option you are talking about javed okay nasibullah 5d 5 jaka wo d hai the sons decided to work hard as you're wrong thi vyo ta jo nasibullah because we have already used d jade a jo d thi vyo ta wari d sa un mein use na tha kare sakau we have only one option left that is b
The sons decided to work hard as they had a good crop, which they sold for a good price. Okay? So this is how it's done. Okay? The farmer worked alone in the field because, number one, he wanted his sons to go to school. Okay? Number two, when he told his sons to work, they became angry because, they did not want to work. Okay? One, D, two, E. Three जो क्या है, the farmer told his sons to dig the field because A, अने three जो A था वह, there was gold in the field. ठीक है? Four, after they had dug the field, the farmer told them to what? Saw some seeds in the field. C, अने four जो C थी वो, and five जो B थी वो. So that is how we go for the right answers and complete sentences. ठीक है? Okay. Now that was the first comprehension जो क्या सा पढ़ी सदा सी. That was the treasure. ठीक है, treasure पढ़ी से जैसे हाँ ऐसा आ चुकी हूँ. Second comprehension थे, जिको आहे healthy eating habits. ठीक है, यू बिल्कुल easy था वह healthy eating habits. These days we people do not eat healthy, we eat a lot of junk food. ठीक है, so this is how at the very age जिको very we can say young age, class 3 जे बारे में यू पढ़ाए हो तो बने. Healthy eating सां तहां के केड़ा केड़ा फायदा मिली सकन था, ठीक है? So this is how they have given such kind of comprehension in book, and that is very nice, ठीक है? So reading comprehension हाने चाहते चाहे by the end of this section, the students will be able to use pre-reading strategies to predict some words that might occur in text by looking at the picture title. पहरा पहरा जा क्या ना strategy के लिए pre-reading आहे, जै में एक पिक्चर लेना लाहे, जै ते निसी करे बार जा क्या अच्छा करे सकता. कुछ words जेके आएं, some word that might occur in the text by looking at picture title. ठीक है, picture जो title देसी करे बाहर कुछ words बताएंगा तो केड़ा केड़ा इन lesson में अच्छी सकन था. Locate specific factual information to answer short questions based off the text. ठीक है, use context and infer meaning. Meaning achieve है यू नमे answers questions जा achieve या कुछ linking words, signal words achieve या ठीक है, missing words achieve या gap किये उनके fill करने वाले. ठीक है, relate what is read to their own experience. ठीक है, so this is how everything is managed, everything is given. Okay, now reading comprehension जल्दी साने के पढ़ो. Healthy eating habits. Okay, healthy eating habits. Now look at this. Farah and Salma are good friends. They go to the same school. They are classmates too. Salma is strong and healthy. She likes fresh fruits and vegetables. Her mother cooks simple and tasty food. She loves her mother's cooking. Farah is not strong. Now, first of all, they talked about Salma, that she is strong and healthy. She likes fresh fruits and vegetables. Her mother cooks simple and tasty food. She loves her mother's cooking. ठीक है, आने हिते कुछ words भी दिसंदा हलो, केड़ी केड़ी शायद use थे लन. ठीक है, आने on the other hand, Farah is not strong. She is weak and thin. She does not eat simple food. She likes burgers and spicy food. At school, she eats spicy snacks and sweets. Farah and Salma sometimes share their food. Now, again, it's continue. One day, Farah ate a spicy burger kebab in the break. She also had a glass of, a glass of maybe something and an ice cream and an ice candy. She bought those things from outside the school gate. Soon she fell sick. अने बाहर आ बैठी आई भी school जे ठीक है उतना खा दे ही कुछ ठीक है तर छाती भाई बीमार थी भाई. Next day Farah did not go to school. She had a stomach ache and fever. उनके डाटो सूर चढ़ लगो stomach में and like she had fever. Her father took her to the doctor. The doctor gave her medicine. The doctor said to her, take rest, drink lots of water, no spicy food. Mana mirchan varo khadu na kha, pani pi lai saro, ahi aram kar. In the evening, Salma and her mother came to see Farah. Farah said, I will never eat food sold outside school gate. The doctor said that open food has germs. जगह ओपन खुलियल फूड हुंदो आहे
उनके उनमें जर्म्स होता है लाइक इफ यू वांट अच्छा दैट इज कोल्ड ड्रिंक प्रिंस फराज चाहे तो कोल्ड ड्रिंक ठीक है उसके नजर में वर्ड ना आयो ना होता तेज करे मैं पढ़ी नहीं सकेम ना दिला ओके थैंक यू प्रिंस फराज इन द इवनिंग सलमा एंड हर मदर केम टू स्कूल केम टू सी फरा फरा सेड आई विल नेवर ईट फूड सोल्ड आउटसाइड द स्कूल गेट द डॉक्टर सेड दैट ओपन फूड हैज जर्म्स इफ वी वांट टू बी हेल्दी वी मस्ट ईट हेल्दी फूड ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट द टेक्स्ट नाउ लेट्स मूव ऑन रीड द स्टोरी एंड टेक द करेक्ट स्टेटमेंट सारे जल्दी समझा केड़ी-केड़ी करेक्ट है केड़ी-केड़ी गलत है फरा एंड सलमा आर इन द सेम स्कूल इज इट राइट रॉन्ग सलमा इज वीक एंड थिन सलमा संडड़ी आहे एंड कमजोर आहे Farah likes fresh fruits. Farah ke fresh fruits padna hai. Farah does not eat simple fruit. Farah jaka hai wo simple food na hai khaindi. Sometimes they share their food. Kare kare open food share kandi hain. Ane jeko sahi hai na to jaldi sa tick kare mujhe budhayo. Naseebullah chahe to maaje chahe to true. Okay, true. Farah and Salma are in the same school. That's true. Naseebullah chahe to right. Mohammed Aslam chahe to right. Akhtar chahe to right. Okay. Number two wrong. Akhtar no. Okay. Salma is not weak and thin. Theek hai, so first one is right. Second one is wrong. Then third one, no. Farah likes fresh fruit. Na, Farah ke fresh fruits na banana hoya, Salma ke banana hoya. So that's wrong. Very good. Okay, Mohammed Aslam chahe to third is right. Third right ki hai to? Farah ke na banana do na, she used to eat burgers and spicy food. Fresh fruits na ke na banana hoya. Theek hai, unakha po wrong. Theek hai, hane... हाँ चाहे रोशनी अच्छा रोशनी चाहे थी राइट रॉन्ग रॉन्ग ठीक है नंबर टू इज रॉन्ग जावेद अख्तर चाहे तो फोर इज नो फरा डज नॉट ईट सिंपल फूड इट्स नो फरा डज नॉट ईट सिंपल फूड वो सिंपल फूड ना ही खाइंदी स्पाइसी खाइंदी है ठीक है सो दैट इज व्हाट फरा डज नॉट ईट स्पाइसी फूड सिंपल फूड कौन खाइंदी है सो दैट्स राइट करे करे ये भी थींदो आहे त नेगेटिव में अची वेंदियूं आहिनि स्टेटमेंट्स पोइ असांखे समुझणो पवंदो आहे त वाकई ही नेगेटिव में जे क्वेश्चन ईयर्स अक्सर हूंदा आहिनि न जंहिंमें नेगेटिव ऐं पॉज़िटिव ॿई आइटम्स हूंदा आहिनि त हुन में असांखे ख़बर कोन पवंदी आहे किथे किथे असां पकड़जी पवंदा आहियूं जॾहिं असां कूड़ वूड़ हणी करे कुझु आंसर्स ॾियण जी कोशिशि कंदा आहियूं न पोइ उते असांखे ख़बर पइजी वेंदी आहे त किथे किथे नेगेटिव में बि माण्हू सही खे हणी छॾींदो आहे ओके फाइव इज राइट समटाइम दे शेयर देयर फूड ओके मोहम्मद असलम चए थो राइट वेरी गुड ओके सो नंबर वन Farah and Salma are in the same school, right? Salma is weak and thin, wrong. Farah likes fresh fruits, wrong. Farah does not eat simple food, right? Sometimes they share their food, right? Okay, so that was all about this exercise. Let's move on. Very hane synonyms achi vya thava. Hane jaldi sa budhayo. Kedo word kede sa meendo? Snack. A small meal eaten in a hurry. Jaldi jaldi sa sa bahira wati kare ke ke shim khai chari da yun na. Ready made jago milan da yun. Snack that is a small meal and a tasty spicy simple food stomach egg what is it jaldi sa match kyo budhayo jaldi sa budhayo ane synonyms budhayo tasty jo chha hai having lots of salt and chilies having a good taste not having too many spices a pain in the stomach spicy chha hai okay so मीर हसन चए तो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ता हाने जा गए आयो सानी क्लास खत्म थण वाली है ओके नसीबला चए तो टेस्टी हैविंग अ गुड टेस्ट ओके वेरी गुड देन माजिद टेस्टी हैविंग अ गुड टेस्ट टू इज बी इते तो टू बी आई ना अच्छा रोशनी चए थी टेस्टी हैविंग अ गुड टेस्ट कस्वा स्पाइसी हैविंग अ लॉट्स ऑफ हैविंग नसीबला चए तो स्पाइसी हैविंग लॉट्स ऑफ सॉल्ट एंड चिलीज गुड फैज मोहम्मद चाहे तो टेस्टी हैविंग गुड टेस्ट ओके मुराद हैविंग अ गुड टेस्ट ओके स्पाइसी हैविंग लॉट्स ऑफ सॉल्ट एंड चिलीज मोहम्मद असलम ओके गुड शहबाज 3A अख्तर टेस्टी हैविंग गुड टेस्ट स्पाइसी जल्दी जल्दी मुझे बिया भी बुधाई ना उन्होंने सिंपल फूड छाए स्टमक एक छाए जल्दी सा यो भी बुधायो सिंपल फूड नॉट हैविंग टू मेनी स्पाइसेस नसीबुल्ला बुधाए छियो है ठीक है spicy having lots of roshni chaiti salt and chilies theek hai mohammad aslam simple food not having too many spices good stomach and nasibullah bataya to chato ta is a pain in the stomach okay good akhta chato spicy having chilies theek hai prince faraz tasty theek hai muzammil tasty having good taste
मीर हसन सोलंगी, मीर हसन सोलंगी चाहता, सॉरी सॉरी जी गाल काने ता रिपीट मेरे सी वर्जो केर ना कोई नी सख्त हु कोने को जो ताके वही क्लास बैठनी है टाइम पे, नो प्रॉब्लम. ओके सो लेट्स मूव ऑन गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पोंसेस. हाने दे सो टेस्टी टेस्टी चाय, हैविंग अ गुड टेस्ट. ओके स्पाइसी, हैविंग लॉट्स ऑफ सॉल्ट एंड चिलीज, देन सिंपल फूड नॉट हैविंग टू मेनी स्पाइसेस, स्टमक एंड दैट इज अ पेन इन द स्टमक. ठीक है सो लेट्स मूव ऑन. Hane, he chai fill the blanks with given below by taking clues from the text you read on the previous page to complete the sentences. Hane, jaldi sa hi complete your sentences. Farah and Salma are dash friends. Keda friends hain? Salma is a strong and dash what? Farah is dash and thin. Salma loves food dash by her mother. Farah loves to eat dash. Jaldi sa hain ke fill kyo hain? Jaldi sa. ओके हाँ मुझे जल्दी ना आंसर्स जो टेक्स्ट में ऐसी करे तो अगर हलूँ पा लैंग्वेज की थोड़ी एक्सरसाइज तक कराया एंड देन आई फिनिश द क्लास टुडे. ठीक है ओके ए इज गुड. मोहम्मद असलम चाहे तो फरा एंड सलमा आर गुड फ्रेंड्स. ओके वेरी गुड. दे आर गुड फ्रेंड्स और बेस्ट फ्रेंड्स, वॉट इज इट? गुड फ्रेंड हो बेस्ट फ्रेंड हो? दे आर गुड फ्रेंड्स आई गेस. या is a strong, Salma is a strong. Okay, Faizan Ali Jaito, Salma is a strong and what? And what? And B is healthy. Salma is a strong and healthy. Okay, Tika. Then A mein good hai toh, achi maine Tika, Hasan budhaye toh, Tayyab budhaye hua hai, best friend, healthy, healthy, Tika. Roshni Chaiti, good and healthy, Tika. Haane mo ke first mein achi wo good, good, they are good friends. Salma is a strong and healthy. Haane Farah is dash and thin. What's that? She is what? Chai Salma. Salma jo budhaya mujhe jaldi sa. Acha Naseebullah pura answer dai chadya hai chahe to best thick. Thick to na thi na. Thick kya thi baba? Strong and thick. Chokri di thick wari kya thi bhai? Na na. Weak. Farah is weak and thin. Yo sahi hai taan jo answer. Theek hai? Salma loves food made by her mother. Tika Farah loves to eat outside. Tika healthy B. Farah is not strong. She is not strong, but what is the specific word that was used in the passage? Kero use chalo yo. She is weak. Majid jaito weak. Tika good. E spicy. Farah loves to eat spicy food. Weak. Tika. Okay. Faiz Mohammed chahe toh weak hai, theek hai. Okay, so let's move on. Disaun taane chahe. Farah and Salma are good friends. Theek hai, that is the right one. Salma is strong and healthy. That is the right one. Farah is weak and thin. That is the right one. Salma loves food made by her mother. That's right. Farah loves to eat spicy food. Theek hai, she loves spicy food. Very good. Hafiza Baloch bataye chade hua hai e is a spicy food. Saira bhi chahti e is a spicy food. Theek hai cooking nahi unke wale bahar hai cook kiye kandi bichari. Theek hai so spicy food is the last one. Theek hai let's move on. Hana pre activity chai answer the following question. What did Farah eat on that day? Theek hai Farah ate a spicy bun kebab. Theek hai so look at this. What happened to Farah? Farah ki chahti ve ho. Farah fell what? Missing words hain ye. ठीक है नंबर टू व्हाई डिड फरा नॉट गो टू स्कूल. फरा हैड व्हाट ताही अरे सिनोनिम्स में पढ़ाया हुआ है ना कि छा हो. ओके व्हेनेवर यू मैच माय कमेंट ओनली से ओके मुजम्मिल छा चवा पो ताके चवा ती सही है सुठी गाल है. ओके ठीक है हाने बियो कुछ यूज करदम. ओके ना यूज करदम. ठीक है ओके सो अच्छा नो ओके फाइन. मीर हसन सोलंगी चाहे तो सिख गुड. हफीजा चाहे थी सिख. मुजम्मिल सिख ठीक ठीक. अख्तर चाहे तो फीवर. नंबर टू में फीवर हुआ सही. फीवर से अगर हुआस. फैजान नॉट फील वेल. शी वॉज नॉट वेल. फरा फेल सिख. शी फेल सिख. ठीक है वाई डिड फरा नॉट गो टू स्कूल. फरा हैड स्टमक एग एंड फीवर. She had stomachache and fever. What did the doctor give her? Doctor unke cha dinni. The doctor gave cha dinas. Doctor cha dinas. Jaldi budhayo.
ओके मज़ा मिल जाए तो फरा हैड फीवर बिकॉज शी हैड स्टमक एग स्टमक प्रॉब्लम स्टमक एग थींदो जेको वर्ड यूज़ थियल हुयो उहो ई वर्ड यूज़ करिणो आहे तॾहिं मां तव्हांखे चवां थी त पंहिंजी इंफॉर्मेशन न विझो जेको मां तव्हांखे पहिरियां ई ॿुधायो आहे ठीकु आहे Okay, take rest and drink water. Nasibullah chahe to, the doctor gave her, what doctor gave her? Doctor gave her medicine and he said, take rest, drink water and don't eat spicy food. Sahi hai na? Theek hai, medicine dinai sanake. Haan, medicine dinai sanake, advice bhi dinai sanake, advice dinai na. Doctor gave her advice, to bhai, paani lai pi jai, spicy food na khai jai, hai? रेस्ट करे रही ठीक है ओके लेट्स मूव ऑन हाँ ठीक है लेट्स लेट्स स्किप इट उ एक्सरसाइजेज फिल आउट करण के लिए इतने ऐसी वो अगर क्लास का करणी तो करो ये ठीक है बट लेट्स मूव ऑन टू द लैंग्वेज प्रैक्टिस नाउ ओके सो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड द क्वेश्चन रिलेटेड टू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आर कंप्लीटेड ठीक है लेट्स मूव टू द लैंग्वेज प्रैक्टिस जो इन बिन यूज यूनिट्स में लैंग्वेज प्रैक्टिस उनूँ था ठीक है First one, apostrophe. Apostrophe chaja la use thi diya. Jaldi sam badaayam okay. Apostrophe cho use kada hai masi. Whenever we use apostrophe in English, what is the reason? Why do we use it? Jaldi sam badaayam okay. Okay, jaldi sam badaayam okay. Apostrophe cho use kada hai. Chaja la use kada hai. Okay, by the end of this section, the students will be able to recognize and use apostrophe to show possession. Already they likhe lai. Toh jade aisa possession show kanda yun, contractions thainda yun, unna time te aisa apostrophe use kanda yun. Hitte possession ji gala hai, bia uses zahin chake ma taan ke budhaya thi. Par hinna book mein jako use dena la apostrophe jo hitte, wo possession jo hai. Jade aisa kehen shay sa belong, mana kehen bhi shay sa belonging show kayun, ta possession show karna jala apostrophe use thi india. Thik ha? शो पोजेशन मुजमल चाहे तो गुड वेरी गुड हाँ मौके नहीं चव ओके लेट्स मूव ऑन हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल अपोस्ट्रॉफी जो कॉन्ट्रेक्शन के लिए यूज कहूँ कॉन्ट्रेक्शन जैसे भी थी है जैसे शॉर्ट फॉर्म यूज क्या फॉर एग्जाम्पल शॉर्टन करण के लिए कें वर्ड के ठीक है उनके साउंड चेंज थी वो है ऑमिट क्यों के साउंड्स उन अपोस्ट्रॉफी रिप्रेजेंट कहती है मिसिंग लेटर्स के ठीक है जैसे मिसिंग लेटर हो तो उनके अपोस्ट्रॉफी शो कहती है रिप्रेजेंट कहती है ऑक्सिलरीज वर्ब्स मॉडल वर्ब्स से गड घो कर यूज क्या जैसे कॉन्स्ट्रक्शन यूज क्यों ठीक है फॉर एग्जाम्पल ही वुड ही आई हैव आई दे आर देयर ठीक है यू कैन नॉट यू कांट यो एक यूज है कॉन्ट्रेक्शन जो उनका अपोस्ट्रॉफी पोजेशन पोजेसिव नाउन से गड यूज क्या असं जी For example, चाहूँ था हाँ तो ऐसो द रूल्स अबाउट फॉर्मिंग पोजेशन प्रोबेबली कॉज द मोस्ट अपोस्ट्रॉफी कन्फ्यूजन यो कन्फ्यूजन इलाही हूँ दे आर वेरी लिटिल लिटिल बिट डिपेंडिंग ऑन वट टाइप ऑफ नाउन यू आर मेकिंग इन पोजेशन सो लुक एट दिस फॉर मोस्ट सिंगुलर नाउन्स एट अपोस्ट्रॉफी प्लस एस सिंगुलर से गड अपोस्ट्रॉफी लगंदी ऐं एस लगंदो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन में इलाही सारा स्टूडेंट्स मिस्टेक कंदा आहिनि त सिंगुलर से गड छा कंदा आहिनि अपोस्ट्रॉफी बि एस खां पोइ हणी छॾंदा आहिनि जैसे सिंगुलर होंगे तो डॉग्स लेश ठीक है डॉग्स जो है ना हाँ डॉग एक है अपोस्ट्रॉफी उनखाई एस अस उनखाई तो बुधा तो एक जो है डॉग है इतने द राइटर्स डेस्क द प्लैनेट्स एटमोसफियर एक प्लैनेट की गाल एक राइटर्स की गाल हाँ फॉर मोस्ट प्लूरल्स नाउन्स एट ओनली Add only an apostrophe. The dogs हाँ इलाही सारा थी गया तो पहले आ D-O-G-S पूरो plural लिखना थी उनका खापो apostrophe S से मथा आएंगी. Singular जने लिखे हो सी पे तो उन्हीं मल छाते हो यो S पहले न पे आना apostrophe हनी करे पो S है उसके साथ. So this is very very important. ठीक है? Okay. So It's my property. ठीक है. So this is how we use it. Possession show करने जिला है. For plural nouns that do not end in s, add apostrophe plus s. ठीक है. For example, जैसे plural nouns हो जन. For example, children. जैसे children जी गाल ताके हैं. It means we are talking about more than one. ठीक है. इलाही सारा बार है जिन जी गाल ताके हैं. तब पूरो word अच्छी वीं दो. वना खा apostrophe इन दिया ही s इन दो. ठीक है. जैसे children पाने ही plural है. उन्हें सागर s e s हरने जैसा की जरूरत होने का. Geese again geese is what plural. वना खा apostrophe है इसी n s हरने चले उसी. ठीक है. So plural सा क्या use करना है वैसी
इहो बि हिकिड़ो इलाही इंपॉर्टेंट आहे. प्लूरल सां कीअं यूज़ थींदो आहे, डू नॉट लाइक यूज़ अननेसेसरी अपोस्ट्रॉफी टू यूज़. अच्छा, ही इलाही इंपॉर्टेंट आहे, लुक एट दिस. हाणे हिते ही ॾिसो, रीड द टेक्स्ट गिवन बिलो एंड अंडरलाइन द नाउन्स. ठीकु आहे, पहिरियां चवनि था नाउन्स खे अंडरलाइन कयो. हाणे ॾिसो हिते, सलमा एंड हर फैमिली आर गोइंग फॉर अ पिकनिक. दे पुट द फूड एंड ड्रिंक एंड ड्रिंक्स इन अ पिकनिक बास्केट. Father puts the breakfast in the car. The car is old. Its color is red. It can go fast and far. Salma takes her skipping rope. Fareed takes his football. Father takes his camera. Mother takes her purse. They take their radio. Father will drive the car to the farm. ठीक है? हने nouns इन में ताकि खबर है, ऐसा पहले ही पढ़ाई चुका हूँ, ताकि nouns के डाउन दायन. तो ही चाहे एक revision जिलाए. ऐं क्लास थ्री जे बुक में ही एक्सरसाइज़ ॾिनल आहे, पिक्चर ॾिनल आहे, हुन सां गॾु ॿारनि खे ॿुधायो वियो आहे त नाउन्स कहिड़ा हूंदा आहिनि. ठीकु आहे, सो टीचर बेसिकली टीचर खे नाउन जो कॉन्सेप्ट क्लियर करिणो आहे, ॿुधाइणो आहे एक्सरसाइज़ जेतिरो. ठीकु आहे, लेट्स मूव ऑन. हाणे अपोस्ट्रॉफी, आंसर द क्वेश्चन यूज़िंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. सलमाज, फरीद्स, फादर्स, मदर्स, फैमिलीज. ठीक आहे, सो फॉर एग्जाम्पल, हूज़ स्किपिंग रोप इज इट. इट इज सलमाज स्किपिंग रोप. ठीक है, सो पोजेशन शो करने के लिए असा बुधायूं ता प्यारो. ठीक है, ओके, सो हाँ ही जल्दी सा फिल कयो. हूज़ फुटबॉल इज इट. इट इज सलमाज, फरीद्स, फादर्स, मदर्स और फैमिलीज. हूज़ पर्स इज इट. इट इज मदर्स पर्स. हूज़ कैमरा इज इट. इट इज फादर्स कैमरा. हूज़ कार इट इज. इट इज फादर्स कार. Whose radio is it? It is what? Look. They take their radio. It is their radio. It is the father's radio. ठीक है? Father जो हुए हो ना radio भी था. Okay. So let's move on. हाणे हिते चए थो यूज़ अपोस्ट्रॉफी टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन. हीअ कुझु एक्सरसाइज़ हिन असां पढ़ी छॾियूं आहिनि. ठीकु आहे, क्लास खां पोइ हिकु दफ़ा ॾिसी वठिजो हिनखे, मां वधीक हिन ते डिस्कशन नथी कयां. देन हाणे हीउ छा आहे, पज़ेसिव प्रोनाउन्स. ठीकु आहे, तव्हांखे ॿुधायो असां जॾहिं प्रोनाउन्स पढ़ाया हुआ त अपोस्ट्रॉफी बि पज़ेशन शो कंदी आहे ऐं पज़ेसिव प्रोनाउन्स बि पज़ेशन शो कंदा आहिनि. ठीकु आहे, जीअं इट इज़ दिस पेन इज़ माइन. Mind possession to show kare, theek hai? So this is how bini ji je ka hai, wa difference hai. Okay, apostrophe, hane possession chahe, possessive noun, pronouns show that something belongs to someone. The possessive pronouns are my, our, your, his, her, its, and theirs. There is also an independent form of each of those pronouns, jeke subject and object mein use karna hai, usna taan pehle hi padhayo hai, theek hai? Mine, ours, yours, ye object mein use thina hai. My, our, your, his, as a, उनमें subject में use करना है. ठीक है, my phone is dead, pass me yours. ठीक है, possession तो बुधाए. Did you know that Labrador is mine? The house on the corner is theirs. So यह वो possession तो बुधाए. तो हाने difference आया apostrophe जो आई possessive pronouns जो. हाने ही match क्यों? जल्दी सा. आए सा चावी दो. Mine, ठीक है, यू जो चाहे yours, he जो his, she जो her, it जो its. ठीक है, okay, so this is very good question जेको कयो आहे. Okay, so it says that, ma'am, if there are two brothers having same business, theek hai, they are using their name for business, then where we have to put apostrophe after or before their name? So which name? Ek be ja use kan pya na? Ta agar for example, ba names ayin, ta pehre name je sa gad nahi to last sa gad indo, theek hai, unna sa gad sa hananda si. ठीक है, यू जो थी वो योर्स,
they jo thi wo theirs theek ha very easy and possessive pronouns again it's your hat thi wo to thi vindo the ball is his it's my car ye kuch exercises ahin jin ta comments mein likhi chajo answers to po ma yo check kare ta ke reply karna theek ha okay हाणे हिते इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस चाहुंदा आहिनि ॾिसो हिते द इंपेरेटिव सेंटेंसेस विच इज़ यूज़ टू कन्वे अ कमांड अ रिक्वेस्ट और फॉरबिडन्स इज़ कॉल्ड इंपेरेटिव ठीकु आहे दिस टाइप ऑफ सेंटेंस ऑलवेज टेक्स सेकंड पर्सन यू फॉर द सब्जेक्ट बट मोस्ट ऑफ द टाइम द सब्जेक्ट रिमेन्स हिडन ठीकु आहे सो इंपेरेटिव हाकमिया जुमिला जेके हूंदा आहिनि हुकमिया जेके हूंदा आहिनि कमांड यू कंहिंखे असां कंहिंखे का रिक्वेस्ट कयूं फॉर एग्ज़ाम्पल उहे इंपेरेटिव हूंदा आहिनि हिते सेंटेंसिस ॾिसो कुझु एग्ज़ाम्पल्स ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वॉटर हाणे इहो छा आहे हिकिड़ो कमांड आहे ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वॉटर इंपेरेटिव आहे डोंट एवर टच माई फोन इहा छा आहे थ्रेट आहे गिव मी अ पेन एंड पेंसिल रिक्वेस्ट आहे केरु घुरे थो वेट फॉर मी केरु चवे थो ठीकु आहे गेट आउट वॉट इज़ इट गेट आउट माना हिकदमि सां ऐं हाणे हिते ॿुधाइनि था त इंपेरेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप ते बि ख़तमु थींदो ऐं उन सां गॾु गॾु एक्सक्लेमेशन मार्क जेका आहे उहा बि किन किन सेंटेंसिस में ईंदी आहे ठीकु आहे सो अगरि एक्सक्लेमेशन मार्क आहे त बि असां चई सघूं था त उहो इंपेरेटिव सेंटेंस आहे फुल स्टॉप आहे त बि थी सघे थो ठीकु आहे ओके नाउ अ एन एन अ एन एन तव्हांखे ख़बर आहे वेरी इंपॉर्टेंट अ सभु कॉन्सनेंट सां यूज़ कंदा आहियूं बट इट डिपेंड्स ऑन साउंड जॾहिं अ साउंड ईंदो त असां एन यूज़ कंदासीं वेदर इट्स कॉन्सनेंट एट द स्टार्ट और इट्स वॉवल एट द स्टार्ट ठीकु आहे सो बाक़ी ॿियनि सभिनी सां गॾु अ लॻंदो अ एन जो डिफरेंस हाणे छा आहे इनडेफिनेट आर्टिकल आहिनि अ एन एन इनडेफिनेट आर्टिकल आहिनि अ जेको आहे बिफोर सिंगुलर नाउन बिगनिंग विथ कॉन्सनेंट साउंड एन जेको आहे बिफोर द सिंगुलर नाउन बिगनिंग विथ अ वॉवल साउंड ठीकु आहे पर मां तव्हांखे ॿुधायां थी त साउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगरि को कॉन्सनेंट अचे त फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनर ठीकु आहे ऑनरेबल ठीकु आहे सो दिस इज़ हाउ द साउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाणे हीअ एक्सरसाइज़िस आहिनि कुझु हिन में जल्दी सां पुट करे वठो न त टाइम लाइ घटि आहे तव्हां कमेंट्स में हिनजा आंसर्स मूंखे ॾिजो त मां पोइ तव्हांखे सुभाणे हिननि खे वाण कंटिन्यू कंदासीं ठीकु आहे ओके सो प्लूरल्स सिंगुलर एंड प्लूरल्स नाउन्स ॾिसो ग्लास ग्लासिस बॉक्स बॉक्सिस बुश बुशिस bunch bunches theek ha hane I had one glasses of milk and two glass of juice what is it I had one glass of milk and two glasses of juice theek ha so plural and singular words asa ke use karna hai wo very important hai diso ite theek ha all for today guys come conventions and the reading practice lectures from book 3 theek ha subhane inshallah ba bya ko book language jo jeke asa kandasi baki I'm thinking to bring an other comprehension thodo complicated hoje tahan je level je hisab sa ta po asa unate balaindasi kuch questions hunda jeme prepositions bhi hunda theek ha so And that was all for today. Agar vadhik ko question aaye ta comment mein likhi sako tha. Subhane inshallah je class start thi wa pehra questions answer karna. And then we'll move on to the next lesson. Theek ha? So thank you so much everyone. Have a nice day. Allah Hafiz.